अब बालवीर चाहे कितना भी ढूंढ ले, ना तो वो विवान को ढूंढ पाएगा, ना अनन्या को ढूंढ पाएगा, और ना ही हमें। क्योंकि बालवीर हमें ढूंढेगा काल लोक में, और हम यहां पृथ्वी के नीचे इस गुप्त गुफा में, जहां हमें बालवीर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। नासा ने जादुई शक्ति का ऐसा जाल बिछाया है कि मैं इस गुफा से बाहर भी नहीं निकल सकती। बालवीर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, यहाँ तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। अगर मैं नजर ही नहीं आऊंगा तो डायनासोर मुझे खाएगा कैसे? यस, डायनासोर को पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा चोकिंग हजारू। अब मैं ऐसी गुदगुदी करूंगा कि ये हैरान हो जाएगा। गुदी 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 गुदी। आपका आंटी बुला रही है। ओके। वाओ, ये पेंटिंग कितनी रियल लग रही है। मैं भी ऐसी पेंटिंग बनाऊंगी। Oh.
नारोय की आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन वो है कहाँ? हाँ, वो इस कमरे में तो नहीं है। Oh my God, नारोय तो इस पेंटिंग के अंदर है। देव भैया, रिंकू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, हेल्प! लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब तो दुनिया की किसी भी एनसाइक्लोपीडिया में नहीं मिलेगा। आई थिंक आरुही हमसे हेल्प मांग रही है। मैं उसका हाथ पकड़ के उसे खींचता हूँ। रिंकू! अरे, ये रिंकू भी इस तस्वीर के अंदर कैसे चला गया? हेल्प! अरे रिंकू, इसका कोई यूज नहीं है। आरुही, ये कौन सा प्रैंक कर रही हो तुम? मैं प्रैंक नहीं कर रही रिंकू, ये तो नाइटमेयर लग रहा है। लगता है ये नाइटमेयर अब और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। देवो भैया, हेल्प! देवो भैया, हेल्प! हेल्प! विवान, विवान तू? मैंने तो सुना था यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। सही सुना था तुमने विवान, लेकिन ये तो बियॉन्ड साहस वाली बात है। विवान, इस पेंटिंग के अंदर कैसे गया? वो तो टिफिन की डिलीवरी देने गया था। देवू भैया, देवू भैया, देवू भैया, देवू, हमें बचा लो। प्लीज देखो ना, कहाँ फंस गए देवू? रिंकू, चुप चुप। अरे क्या चुप? देवू रिंकू, चुप। ओके विवान, बच्चों चिंता मत करो, मैं वहां पे तुम सबकी हेल्प करने के लिए आता हूँ। ओके? अरे नहीं 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 नहीं। क्या विवान, तुम दिख तो रहे हो लेकिन तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। क्या मतलब? मैं इतना गिर गिड़ाया और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था? एक मिनट, ये पेंटिंग वन वे ट्रैफिक की तरह है। इसमें से बाहर निकलने के लिए एग्जिट पेंटिंग चाहिए। एग्जिट पेंटिंग? अभी एग्जिट पेंटिंग कहां पर होगी? क्या है? पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ। हाँ, एग्जिट पेंटिंग के बारे में अनन्या दीदी को पता है? अनन्या, क्या है? लिखकर क्या काट रहा है विवान? कुछ नहीं है, वो बस एक स्पेलिंग मिस्टेक थी। विवान, यहाँ हमसे जानलेवा मिस्टेक हो गई और तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक की पड़ी है। देखो बच्चों, चिंता मत करो, मैं बालवीर की हेल्प से तुम सबको बचा लूंगा। हाँ। लेकिन अभी मैं ही पेंटिंग खिला रहा हूँ, सो सिट टाइट। अब जैसे ही रे पेंटिंग लेकर आएगा, मैं विवान को इस एग्जिट पेंटिंग की हेल्प से फ्री करवा दूंगी।
रे वो तस्वीर लेकर आ गया? नहीं, मुझे लगता है उस लड़की ने हमसे झूठ बोला है, हमें गलत जानकारी दी है जिससे कि हमारा वक्त बर्बाद होता रहे और उधर बालवीर को उस चित्र के बारे में पता चल जाए। बालवीर की मुझे जरा भी फिक्र नहीं है भैमार, क्योंकि उसे गुमराह करने का मेरे पास एक बहुत ही सरल उपाय है। क्या? अरे मुझे सर्दी जुकाम की कोई तकलीफ तो नहीं है, फिर ये दवाई किसके लिए? भैराजा, ओ भैराजा, आपके जोड़ों में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? अरे मैं तो बस पूछ रहा था। तौबा तौबा, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। ये एक बहुत ही विषकारी घोल है जो बालवीर को ऐसे चक्रव्यूह में डालेगा कि वो गोल गोल घूमता रह जाएगा। घूमता रह जाएगा? कैसे? धरती पर करुणा लोगों को जो मुफ्त का खाना बांट रही है, तुम्हें ये पूरी शीशी ले जाकर उस खाने में मिलानी है, और अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये दवा मुझे पीनी पड़ेगी। भरानी, भरानी, मैं छोटा हूँ लेकिन खोटा नहीं हूँ, मुझसे कोई गलती। वाह, बहुत खूब सिमना साहब, बहुत खूब। उधर बालवीर इस समस्या को सुलझाने में व्यस्त हो जाएगा और रे को वो चित्र ढूंढने के लिए और समय मिल जाएगा। रे का वेट तो मैं भी कर रही हूँ, बस एक बार विवान को डायनासोर की पेंटिंग से फ्री करवा लूं, फिर वो भी बालवीर की हेल्प कर सकता है पॉइजन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। बैड मूव अनन्या, वेरी बैड मूव। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि रे ये पेंटिंग नहीं ढूंढ पाएगा, देन यू आर अ फूल। कौन है? रिंकू, हवा की आवाज है। अच्छा, रिंकू, ये हवा की वजह से कोई फल गिरा होगा, उसकी आवाज। अच्छा, वैसे विवान, जब तक बालवीर हमें फ्री करने के लिए यहाँ पे नहीं आते, तब तक हमें क्या करना चाहिए? अंताक्षरी खेलते हैं, चलो। रेली रिंकू, डोंट माइंड आरोही, डर के मारे अक्सर लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। रिंकू, अब ये किसकी आवाज है? डायनासोर की। अच्छा, डायनासोर! रे, डायनासोर! फॉरगेट उल्टी सीधी बात, अब तो उल्टे पैर भागना पड़ेगा। भागा! अरे 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 रुको, अरे माँ, ये तस्वीर आप वीर लोक में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए ताकि कोई इस तक ना पहुंच पाए। तब तक अनन्या को ढूंढ कर आता। हाँ बालवीर, अनन्या को ढूंढना बहुत ही जरूरी है, वही है जो इन बच्चों को इस तस्वीर से बाहर निकालने का द्वार बना सकती है। You will have to pay for this, अनन्या। बालवीर, मैंने अनन्या को शिंकाए काल्लोक और हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं माँ, ये सूचक यंत्र है, इसकी मदद से अनन्या की दुर्भाष यंत्र के बारे में पता लगा सकता हूँ। एक बार उसका दुर्भाष यंत्र मिल गया तो हमें अनन्या भी मिल जाएगी। Thank you.
अनन्या इस तरफ है माँ। कितनी स्ट्रेंज जगह है ये। हाँ, ये पत्थर और ट्रीज का साइज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड में। जब धरती पर डायनासोर हुआ करते थे तब भी सिंगु तुम ना कुछ भी मत बोल, तुम डर के मारे कुछ भी अक्रम चक्रम बोल रहे। अरे अरे रिंकू, अरे लगता है अरुई को लाइफ प्रूफ मिल गया और उसके साथ एग्जांपल भी। अरे रिंकू अभी हमें उसे बचाना होगा, चल जल्दी। अरुई रिंकू जल्दी, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, डायनासोर दिखाई दे रहा और नहीं आ रही। कुछ ना कुछ करके तुम्हें जरूर बचा लेंगे। विवान, जो करना है जल्दी करो, उससे पहले इस डायनासोर के अंडे में से छोटा डायनो निकल जाए। क्या आरोही, तुझे पता है ना डायनासोर दो तरह के होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। हाँ, लेकिन ये कौन सा वाला है? आई थिंक ये नॉन वेजिटेरियन है और साइंटिफिकली इसे टेरासोर कहते हैं। व्हाट? हाँ, टेरासोर। और अरे रिंकू प्लीज, थोड़ी देर के लिए तू अपने इस जनरल नॉलेज की दुकान को बंद करेगा प्लीज। ओके ओके, पर ये तो बताओ प्लान क्या है? हमें आरोही को बचाने के लिए डायनासोर के नेस्ट को। यू मीन टेरासोर के नेस्ट से? अरे रिंकू मैंने अभी अभी क्या कहा, प्लीज थोड़ी देर के लिए अपने जनरल नॉलेज की दुकान बंद कर। ओके सॉरी, गो अहेड। हाँ, सो हमें हरोई को बचाने के लिए उस डायनासोर के नेस्ट तक पहुंचना होगा। हाँ, पर पहुंचेंगे कैसे? हमारे पास थोड़ी ना विंग्स है। Yes, अब मैं स्लिंगशॉट की मदद से सीधा उस डायनासोर के नेस्ट तक पहुंचूंगा। लेकिन विवान ध्यान से, क्योंकि अगर तुम थोड़ा भी आगे पीछे हुए ना तो नेस्ट में नहीं सीधे 100 फीट नीचे गिर जाओगे। तो कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, कैलकुलेशन के लिए तुम हो ना रिंकू, खोलो अपनी मैथमेटिक्स की दुकान। इनके फ्लो का डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, सो दैट मींस 1, 2, 3, 4। यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी, लेकिन डायनासोर के अंडे को फूटते हुए देखने के बारे में
अर्थ की किसी भी वासी ने नहीं सोचा होगा। विवान, जल्दी करो। हरी है प्रिंकू, जल्दी कर। आई थिंक 45 डिग्री की ट्रैजेक्टरी पर ऊपर जाना सही रहेगा। लेकिन अगर ट्रैजेक्टरी गलत हुई तो ऊपर अंडा फूटेगा और नीचे मैं। तुम श्योर हो ना रिंकू? हमें एक बार रीचेक करना चाहिए। दो मिनट। अरे नहीं नहीं रिंकू, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। रीचेक करने के चक्कर में वो बेबी डायनोसर मारवाई का चेकमेट कर देगा। खींचो। शूट। हेलो। हेलो। यस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.